विधनु थाना सेन चौकी अंतर्गत एक कार ड्राइवर ने पुलिस वालों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार चालक ने चौकी के ही पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कार की डिग्गी से पुलिसकर्मियों ने लगभग 3200 रुपए निकाल लिए हैं। कार वही की चौकी से अटैच गाड़ी बताई जा रही है, जिसको पुलिस वाले ही इस्तेमाल करते हैं। कार के ड्राइवर ने सेन चौकी पहुंच अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। पूरे मामले पर कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने जांच के आदेश दिए। क्या नाम है आपका? क्या घटना घटी है आपके साथ? साढ़े 12:15 पे मैं आया अपने टूर से, गाड़ी खड़ी करके मैं खाना खाने चला गया। खाना खाने के बाद में मैं आया, गाड़ी पे मसाला रखा हुआ था, थोड़ा सोचे जाओ मसाला खा लें, तो ऊपर कमरे में गर्मी लग रही थी, रूम में थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट करके बैठा रहा, लेटा रहा, मुझे अचानक नींद आ गई, मैं सो गया। उसके बाद में यही गाड़ी आई सफ़ेद कलर की, इसमें 4-5 सिपाही थे भैया, 4-5 सिपाही आए, बोले कैसे लेते हो? तो हमने कहा मेरा घर है बगल में, मैं अपनी गाड़ी पे लेटा हुआ। तो बोले गाड़ी पे क्यों लेते हुए हो जब घर है तो? अरे तो हमने कहा सर मैं गाड़ी पे लेटा हुआ हूँ, घर मेरा बगल में है, मैं गाड़ी पे लेटा हुआ। तो बोले गाड़ी किसके नाम है? तो हमने कहा मेरे मालिक के नाम है। तो बोले मालिक का क्या नाम है? हमने कहा मनु रस्तोगी, उनको बताया मनु रस्तोगी। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बोले बाहर आओ। बाहर मैं गया, हमेशा कहते हैं चलो साहब बुला रहे हैं, और साहब के पास मैं गया और मेरी गाड़ी की तलाशी लेके 3220 रुपए निकाल के चल दिए। जब मैंने अपनी गाड़ी, ये लोग चले गए, जब मैंने अपनी गाड़ी देखी, मैं नींद में था, और जब मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी में पैसे नहीं, तब उनके पीछे पीछे मैं आया, और यहाँ चौकी पे गाड़ी खड़ी है और ये लोग यहाँ नहीं। घटना स्थल से, घटना जहाँ घटी थी वहाँ 100 नंबर ट्रायल किया था, 112 नंबर? नहीं भैया, हमने नहीं ट्रायल किया।